नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल अब 9 से 15 जनवरी 2020 यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके परिवार की, नौकरी की, व्यापार की, कुछ अच्छा जानेंगे, कुछ सावधानियाँ जानेंगे, पैसा कितना आएगा, कितना जाएगा, कौन अपना कौन कराया, यात्रा देश की होगी, विदेश की होगी कि नहीं होगी, शुभ अशुभ जानेंगे, शुभ रंग जानेंगे, शुभ अंक जानेंगे, भाग्य प्रतिशत जानेंगे और वह उपाय भी जानेंगे जो आपके बिगड़े काम बना देगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को अभी दबा दें। और साथ ही साथ आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी है इस सप्ताह में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, एक एक लाइन को सुनिएगा और समझिएगा तो ही आपका फायदा होगा, क्योंकि अगर आप बीच बीच में जल्दी जल्दी वीडियो को देखेंगे तो इससे नुकसान आपका होगा, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण बात आप मिस कर जाएं। तो बात करते हैं राशिफल की, शुभारंभ करते हैं। तो 9 और 10 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे और बनेगा ग्रहण दोष, वक्त थोड़ा सा सावधानी से बिताने वाला होगा। आपको बस अपना ख्याल रखना होगा, आपके हाथों कोई गलती ना हो इस बात का ध्यान रखें। आज के दिन जुआ, सट्टा और गलत तरीकों से धन कमाने के बारे में ना सोचें, ईमानदार रहें, ईश्वर की भक्ति करें। जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं वह अपने साथी की भावनाओं को समझें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। जो भी लोग वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका विवाह हो गया है, उनको भी ख्याल रखना होगा, अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जीवन साथी की बातों का सम्मान करना है, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर आपको रखने होंगे। जो भी लोग नौकरी व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, उन्हें क्रोध त्यागना होगा, अपने सीनियर से बहस नहीं करनी है और जो भी काम, जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है उसको वक्त पर पूरा करने की कोशिश करनी है, यानी पूरी तरीके से आपको अपने काम को करने के लिए वचनबद्ध रहना होगा। बुरी संगति, बुरी आदतें, बुरे लोग, मांसाहार या जो भी चीज़ें हमें मदहोश कर देती हैं या जो भी चीज़ें हमारा होश गवा देती हैं, जैसे कोई नशे की चीज़, उन सब से हमें बचना होगा। बुरी संगति, बुरे लोग से बचना होगा, वासना और विलासिता से बचना होगा और महिलाओं के प्रति पुरुषों की आसक्ति अधिक हो सकती है तो उनको थोड़ा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो बुरे फंस सकते हैं। और कोई भी चोरी करना, अधर्म करना, मारपीट करना, किसी को सता कर पैसे कमाना, किसी का धोखा करके पैसे कमाना आपके बड़े नुकसान का सूचक होगा। अभी भले कमा लें लेकिन कुछ ही वक्त बाद जितना कमाया होगा उससे 10 गुना ज़्यादा निकल जाएगा। जो भी लोग खेल कूद से जुड़े हैं, बच्चे हों या बड़े हों, कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, कहीं चयन होना है, वक्त आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर सावधानी रखी तो यह वक्त बहुत कुछ आपको देकर जाएगा, कम से कम अगर कुछ नहीं देगा तो जो है वो बचा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो गलती करके कुछ नया तो ना मिले लेकिन जो है वो भी चला जाए तो फिर खाली हाथ हो जाएंगे। सावधानी रखिए, उपाय बताऊँगा उसको करिएगा, सावधानी के साथ, धर्म के साथ चलेंगे और मेहनत करेंगे तो यह वक्त आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगा। बात करते हैं 11, 12 और 13 तारीख सुबह 10 बजे तक के समय की, और चंद्रमा होंगे छठे भाव में, यह वक्त भी आपको सावधानी से बिताना होगा। आपके पास पैसों की कमी हो सकती है, आपने अगर किसी को पैसा दिया हुआ है, आप उसके पास मांगने जाएं तो हो सकता है आपको पैसा ना मिले, लेकिन आपने किसी से लिया हुआ है तो वो मांगने आएगा तो आपको देना पड़ सकता है, आपको उधार चुकाना पड़ सकता है। इसलिए अपनी जेब जो है थोड़ी सी टाइट रखें, इधर उधर पैसे खर्च ना करें, अपने बजट को थोड़ा संभाल कर खर्च करें, यानी कि पैसों का लेन देन बहुत सावधानीपूर्वक करें। इस समय में जिससे आपको मिलना है उसमें विलंब हो सकता है लेकिन जिसको आपको देना है वो शायद आपको मौका ना दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके साथ के लोग, आपके करीब के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ छल कपट कर सकते हैं, विश्वासघात कर सकते हैं। मुंह जबानी किसी की बात पे यकीन ना करें, जब तक आप कागज पे उस बात को देख ना लें, पढ़ ना लें, समझ ना लें तब तक किसी की भी बात का यकीन ना करें, नहीं तो आपको भविष्य में दिक्कत परेशानी हो सकती है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों से खुद को बचाना होगा, अपनों की सेहत का ध्यान रखना होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, अपनी बुद्धि को निर्मल बना के रखना होगा। आप अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पाएंगे, आप बहुत कुछ छिपाने का प्रयास करेंगे। जैसे गाना है कि तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, सकता है आपके दिल में बहुत सारी
तकलीफें और दर्द हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ऐसा भी हो सकता है इस समय अंतराल में। यानी ये जब से सप्ताह शुरू हुआ 9 तारीख से लेकर अभी तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब रहेगी, बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनको अपने माता पिता के सहयोग की, टीचर्स के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो माता पिता उनका साथ दें, ना कि उनको डांटें या उनको कोई ब्लेम लगाएं कि पढ़ नहीं रहे हो, ये है वो है। तो ये समय उनकी बुद्धि जो है थोड़ी सी विचलित हो सकती है, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। तो बच्चों के प्रति प्यार दिखाएं, विनम्रता दिखाएं, लड़ाई झगड़ा या उनको डांटें बिल्कुल भी नहीं। आपका रवैया थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, आप नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे, या हो सकता है जो आपके दिमाग में है, जो दिल में है, उसको ठीक से सामने वाले को समझा ना पाएं, तो आधी अधूरी बातें समझकर काम हमेशा गड़बड़ होते हैं, या किसी की बातों को आप बिना पूर्ण रूप से समझे काम पर निकल जाएं और बाद में नुकसान कर बैठें। इसलिए जिसको समझाना है उसको सही से समझाइए, जिससे समझना है उससे भी सही से समझे तो बेहतर रहेगा। व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। रिश्तों में धोखा हो सकता है, आप किसी को दे सकते हैं, किसी से आपको मिल सकता है, वक्त थोड़ा सावधानी से साथ बिताने का है, उपाय करना होगा, क्रोध और विलासिता और वासना से बचना होगा। अब बात करते हैं 13 तारीख 10 बजे के बाद का समय, 14 और 15 तारीख 12 बजे तक के समय की। चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, यह वक्त आपके लिए और आपके परिवार के लिए शानदार होगा, रिश्ते बढ़िया होंगे, आपकी व्यवसायिक पार्टनरशिप भी बढ़िया होगी। अगर आप विवाह के योग्य हैं, कहीं पर विवाह के लिए ट्राई कर रहे थे तो वहाँ से अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो सफलता आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। आपका वक्त जानदार है, शानदार है और बढ़िया तरीके से बीतने वाला है। आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होंगे, आप प्रेम संबंध में हैं तो बढ़िया होंगे प्रेम संबंध, आपके नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, आपकी वाणी अच्छी होगी, आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, यह वक्त लाभ का है। आप मंजूस प्रवृत्ति के हो सकते हैं, कमाएंगे अधिक, खर्च करेंगे कम। जो भी लोग व्यापार करने की सोच रहे हैं या जो भी लोग व्यापार करते हैं उनके लिए समय बड़े लाभ का होगा। होटल, बैंक, बेकरी, दवाई की दुकान, पार्टनरशिप का व्यापार, वकालत, ये सब चीज़ें बढ़िया चलने वाली हैं। आप एक से अधिक काम करके अपनी आमदनी को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि इस समय में आपको एक से अधिक जगहों से पैसा आ सकता है। आपकी कोई पुरानी जमीन, पुराना घर जो बिक ना रहा हो बिक सकता है या किराए इत्यादि पे चढ़ सकता है। अब बात करते हैं 15 तारीख 12 बजे के बाद का समय और जानेंगे इस समय का हाल। आपकी व्यापार और नौकरी में पदोन्नति मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। आप एक जगह टिक कर काम नहीं करेंगे, आपको विदेश से जुड़ी हुई कोई बढ़िया खबर प्राप्त हो सकती है। आप धन का सही निवेश कर पाएंगे अगर आप सोच विचार कर धन का सही निवेश करेंगे तो। यहाँ पर आप विचलित हो सकते हैं, कन्फ्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपने कमाए हुए पैसे का गलत निवेश कर सकते हैं, तो विचलित नहीं होना है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, विचलित नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और बहकावे में नहीं आना है। और कई स्कीमें ऐसी होती हैं कि आज पैसा जमा करो, एक महीने बाद 10 का 20 हो जाएगा, तो ऐसी फ्रॉड स्कीमों से बचना होगा, फ्रॉड लोगों से बचना होगा। आपके रिश्ते खराब ना हो इसलिए अपने आसपास देख लें कि कौन व्यक्ति आपको फॉलो करता है, कौन व्यक्ति आपको मॉनिटर करता है। हो सकता है आपका कोई करीब ही आपके रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश कर रहा हो। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, अगर कोई वाद विवाद होता है तो एक दूसरे को मनाने की कोशिश करिएगा, आप लोग जल्द ही सुलह कर लेंगे। आप छल कपट और बुरी संगति से पैसा कमा तो लेंगे लेकिन टिका नहीं पाएंगे और हो सकता है आपको जेल यात्रा तक करनी पड़ जाए। यह वक्त सावधानी से आगे बढ़ने का है, कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले पुराना विचार अवश्य कर लें या फिर कुछ वक्त रुक जाए उसके बाद इन्वेस्ट कर लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। और संतान का ध्यान रखने की आपको बहुत आवश्यकता होगी, उसकी सेहत से लेके उसकी हर जरूरत का ख्याल आपको रखना होगा। अब बात करते हैं भाग्य प्रतिशत की, तो भाग्य प्रतिशत रहेगा 62%। शुभ अंक 7 और चमकीला पीला और पीला कलर आपके लिए बढ़िया है, शानदार है। इस कलर का उपयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए, भगवान कृष्ण की आराधना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए और जीवन में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय की एक माला जप करके भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकते हैं, शमी के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार ही चमत्कार होते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। हरिओम, नमस्कार।